हाँ, दंडोत प्रणाम प्रपंच की वीडियो नंबर 3। अभी हमने 4 सूत्र कर लिए हैं टोटल, अभी अभी हमारे पास 8 सूत्र हैं, तो देखते हैं आगे क्या है। अब आती है बात सूक्ष्म प्रपंच की। प्रपंच दो प्रकार का है, सूक्ष्म प्रपंच और स्थूल प्रपंच, ठीक है जी। सूक्ष्म यानी बहुत बारीक, स्थूल यानी मोटा मोटा। सूक्ष्म प्रपंच हमें दिखाई नहीं देता, स्थूल प्रपंच हमें दिखाई देता है। एक होता है दिव्य प्रपंच। क्या होता है? दिव्य प्रपंच। दिव्य प्रपंच जो होता है उससे देवताओं की मूर्तियां बनती हैं, शरीर बनते हैं, ठीक है जी। दो प्रकार कैटेगरी है, एक सूक्ष्म यानी जो दिखाई नहीं देता, एक स्थूल जो दिखाई देता है, ठीक है जी। हाँ जी, एक उसका अलग से चीज है दिव्य प्रपंच में, कैसे है? उसे कहते हैं जिससे देवताओं की मूर्तियां बनती हैं, ब्रह्मंडस्था बनती है, ठीक है जी। क्या बनती हैं? तो सबसे पहले सबसे बड़ी जो सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म जो ब्रह्मंडस्था है वो है, चलो हम पहले डेफिनेशन देखते हैं। विश्व रूपा चिये ठावनी मृतिका पर्यंत, यानी विश्व रूप देवता है ना, विश्व रूप देवता होए परी, तो वहां पे क्या है? विश्व रूप है ना शब्द। तो ये कह रहे हैं विश्व के रूप से लेकर, यानी विश्व की जो देवता है, विश्व नाम की जो देवता है उसका जो रूप बना है, ठीक है, वो सबसे सूक्ष्म प्रपंच, दिव्य प्रपंच, सूक्ष्म प्रपंच वो है। वो 8 प्योर चीजों का बना हुआ है। किन चीजों का? ये 8 प्योर चीजों का इक्वल कंपोजिशन का बना हुआ, समझ लीजिए आप। उससे प्योर कोई भी रचना नहीं है इस ब्रह्मांड में प्रपंच की। प्योरेस्ट फॉर्म जो है उसका गोल्डन येलो कलर है, हरिता पीता, क्या है? पीता है ना, पीला, गोल्डन येलो, बस पीता तक रहो। तो वो पीला जब उसकी बॉडी बनती है, विश्व रूप जिसको कहा गया, विश्व रूप देवता है, जैसे स्वर्गीय चंद्र चंद्रादिक देवता होती, कैलाश वैकुंठेश्वर जाते, वैसे विश्व रूप जो है वो ब्रह्मंडस्था के बारे में बोला गया है नाम वहां पर। इतना भी अन्य व्यावृत्ति है वो ब्रह्मंडस्थाओं के बारे में है। नींद आ रही? आ रही है, उठ के जाके आओ, थोड़ा सा पानी पी के आओ, जाओ खबर। क्या सोच रहे हो या फिर नींद आ रही है थोड़ी थोड़ी? तो विश्व रूप से लेकर ठावनी लेकर मिट्टी तक, चैतन्य मृतिका पर्यंत, पहले चैतन्य सरोज जी मृतिका पर्यंत पहले है ना, मृतिका यानी मिट्टी का कण, विश्व रूप से लेकर मिट्टी के कण तक जो कुछ भी है उसे हम क्या कहेंगे? प्रपंच कहेंगे। उसको स्थूल और सूक्ष्म में मैंने आपको डिफाइन करके बता दिया। जैसे जैसे विश्व रूप सबसे सूक्ष्म है और मिट्टी का कण सबसे स्थूल है, उसके अंदर एक ना लेवल होता है, वॉल्यूम जैसे ऊपर नीचे करते हैं, प्योरिटी का लेवल चेंज होता रहता है। प्योरेस्ट फॉर्म जो है विश्व रूप देवता की, विश्व देवता की वो मूर्ति है, और सबसे जो इम्प्योर है वो है मृतिका, मिट्टी का कण, इम्प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ परपंच। उससे ज्यादा इम्प्योर चीज कोई नहीं है प्रपंच के अंदर, उससे ज्यादा इम्प्योर प्रपंच नहीं है। और प्योरेस्ट प्रपंच जो है वह विश्व की मूर्ति है। बात समझ आ रही है? आप इमेजिन ले लो, दो कोने बता दिए, ये प्योरेस्ट, ये इम्प्योर, बीच में आते रहो जाते रहो, बदलता रहेगा। फिर गोल्ड ऊपर आएगा, मनुष्य शरीर आएंगे, वो सब कुछ आएगा, प्लेटिनम चांदी वगैरह जो भी आता है सब बदलता रहता है। अब कितना है, कितनी कितनी चीजें हैं, इसका कोई डिटेल हमारे पास नहीं आया। आप बोलोगे लिस्ट होगी जी कोई, तो आप देख लो विश्व की देवता, फिर अष्ट भैरव की मूर्तियां सब जल्द, जैसे जैसे नीचे देवताओं की मूर्तियां उनका स्थूल सूक्ष्म बढ़ता जाएगा, ठीक है जी। फिर उसके बाद शरीर आगे मनुष्यों के, फिर पेड़ पौधे आ गए, पशु पक्षी आ गए शरीर उनके, फिर उसके नीचे जाते जाओ, फिर वो ये सोना चांदी गोल्ड वगैरह सब कुछ आता जाएगा, पानी भी आ जाएगा, तेल भी आ जाएगा उसमें,
बादाम की गिरी में तेल दिखता है, तिल में तेल दिखता है, सरसों में तेल दिखता है आपको कभी? निकाल निकाल रेता में से भी कहते तेल निकल आता है। हाँ जी, रेता के अंदर से भी तेल निकलता है। हाँ जी, पहली बार सुना आपने। हाँ जी, रेत के कण में से भी तेल निकलता है, पहली बार सुना आपने। प्रत्ने गाड़िता वाड़ू सी, ऐसे मराठी में कहावत है, हिम्मत करने पर रेता के कण से भी तेल निकलता है। जितना पेट्रोल डीजल कच्चा तेल है, ये रेता का ही पसीना है, पानी है। तेल कहाँ पे होता है? रेगिस्तान में। रेगिस्तान में क्या होती है? तो वहां पे कैसे आ गया? वो धूप की वजह से पिघल पिघल के नीचे गया हुआ है। रेगिस्तान में तेल क्यों निकलता है? जितनी धूप पड़ती है वो अंदर नीचे गल गल के कितने सालों से उसके अंदर निकल गया। हम दूध के वजह से घी कैसे निकालते हैं? गर्म करके निकालते हैं ना, ठंडे में निकलता है कभी? अग्नि से देते हो ना, और अग्नि के प्रभाव से ही सब कुछ होता है। वो अपन अर्क काटते हैं, हम अर्क कैसे निकालते? चलो किसी चीज का अर्क निकाल, अर्क मालूम है? रस निकालना, फूलों का रस निकालना, अदरक का रस, सौंठ, अर्क कहते हो क्या? कैसे निकालते हैं? वो उसको ना पीस से निचोड़ के पानी में डाल के गर्म करके भाप से वो उसको इकट्ठा करते हैं। पीस के नस कोट के पीस के क्या करते हो? निचोड़ लेते हो ना, निचोड़ के निकालते हैं। नहीं नहीं, वो रस है, वो रस है, अर्क नहीं है। जितना तुम्हारा होम्योपैथी का वो सारा अर्क है, अर्क है। मदर टिंचर जो है, फूलों, गुलाब के फूलों का अर्क, उसको हीट देते हैं। जब आप हीट दोगे तो उसका रस अलग हो जाता है, तेल अलग हो जाता है। दूध को गर्म दोगे तो उसमें से घी निकलेगा। आप हर चीज को हीट दोगे तो उसमें से चीज निकलेगी, उसका प्रोसेस होता है। कुछ को कूटने के बाद निकालते हो आप, अदरक का रस निकालते हो कूट के। कईयों में रस बहुत ज्यादा होता है, यानी जल ज्यादा होता है, कईयों में जल कम होता है। जल ही हो गया ना, रस मतलब जल है। पानी को चाय पत्ती डालो तो क्या होता है? क्या होता है? किसका रंग चेंज होगा? कैसे हो गया? जो चाय की पत्तियों के अंदर रंग था गर्म करने से हुआ, तो हीट भी करने से हुआ। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये सिंपल प्रोसेस है। आपके शरीर से पसीना कैसे आना शुरू हो जाता है? हीट बढ़ती है। अग्नि क्या है? परपंच है, भूत है। एक कितनी जबरदस्त साइंस है ये, और सारा जो विस्तार दुनिया में तरक्की कह रहे हो वो इन पांच चीजों का ही सारा अदल बदल करके जो मर्ती करते जाओ, इन पांच चीजों को ही अदल बदल करके सब कुछ बनाया गया है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि परपंच कहां से लेकर कहां तक है, जो दिखाई देता या नहीं दिखाई देता। तो सीधी से डेफिनेशन दे दी उन्होंने, विश्व रूपा चाहिए ठावनी, ये महावाक्य के अंदर डेफिनेशन बताई गई है। कहां बताई गई है? पढ़ा ना आपने। तो मैंने जीव की डेफिनेशन भी वहीं से ली थी, नित्य केवल अनादि विद्या युक्त। तो यहां पर भी जो परपंच की डेफिनेशन है, विश्व रूप से लेकर मिट्टी के कण तक जो कुछ है उसे परपंच कहेंगे। अब ये प्लस्तर हुआ है, इसमें क्या किया? मिट्टी के कणों को, रेता को सीमेंट के साथ चिपका दिया। ईंट कैसे बनी? मिट्टी के कणों को आग में रखा, और सीमेंट के कितनी गर्मी होती पता आपको? चूने में कितनी गर्मी होती है? ये सीमेंट के अंदर हाथ रखो तो हाथ सड़ जल जाते हैं, इसलिए वो प्लास्टर लगाते हैं। तो यानी रेता के कण जो है, मिट्टी के कण है, इसको रेता के कण बोलेंगे, उसके अंदर सीमेंट डालते हैं तो वो हीट के साथ जुड़ जाते हैं, चिपक जाते हैं। जल डालकर उसका मसाला तैयार करते हैं, उसको फटाफट प्लास्टर कर देते हैं, फिर वो पत्थर बन जाता है। क्यों उसमें सीमेंट डाल दिया उन्होंने? सीमेंट मतलब गर्म चीज है बिल्कुल। ईंट कैसे बनी? मिट्टी कण को इकट्ठा किया, पानी के साथ गूंद कर उसका शेप बनाई, उसको भट्ठी में रख दिया, हीट से फिर वो पक गई, फिर अग्नि आ गई वहां पे, सब जगह अग्नि अग्नि आ रही। कार चलती तो वो कहते गर्म करो पहले इंजन को। बात समझ आई? कि यानी मिट्टी का कण एक जो है,
सब कुछ कणों से बना हुआ है, मिट्टी के कणों से। ये कपड़ा जो है कैसे धागा, धागे का जोड़ जोड़ के बनाया गया। सब्जियां भी मिट्टी में उगती हैं, सब कुछ मिट्टी का ही, मृतिका का। दिखाई देने वाली वस्तु जब हम कहते हैं तो बोलेंगे मिट्टी, जब तत्व बोलेंगे तो बोलेंगे पृथ्वी। पांच भूत जब बोलेंगे तो नाम होगा पृथ्वी, जब दिखाई देने वाली बात करेंगे तो कहेंगे मिट्टी। मृतिका बोला ना, मृतिका, मिट्टी का कण। तो दिखाई देने वाली जो वस्तुएं हैं उनमें से सबसे ज्यादा जो है मिट्टी का कण तक। मिट्टी का कण दिखाई देता क्या आपको? फिर भी वो कह रहे हैं मिट्टी के कण तक प्रपंच है। मिट्टी का कण जो है वो उसको प्रपंच बोला गया है। बाकी जो है मिट्टी के कई कण जब इकट्ठे होते हैं तो हमें दिखाई देते हैं। फिर झाड़ू मारो कहते हैं मिट्टी कितनी इकट्ठी हो गई, वैसे दिखाई नहीं देती। सब्जियां धो उसके नीचे मिट्टी होती है। तो अभी जो डेफिनेशन दे रहे हैं कि मिट्टी के कण तक, वो ईश्वर बता रहे हैं कि मिट्टी के कण तक को प्रपंच कहेंगे। बाकी जो है वो मिट्टी के कई कण जब इकट्ठे हो जाते हैं तो हमें दिखाई देना, हमारी आंखों को दिखाई देना शुरू हो जाता है। क्या कहेंगे? हमारी आंखों को दिखाई देना शुरू हो जाता है। बस ये हमारी चमड़े की आंखें हैं, मिट्टी की आंखें हैं, मिट्टी की आंखें हैं, ये सब मिट्टी का है, इससे दिखाई देना शुरू हो जाता है। ठीक है जी, तो ये एक डेफिनेशन। विश्वरूप जो है वो गोल्डन है, वो सबसे सूक्ष्म प्रपंच है और मिट्टी का कण सबसे स्थूल प्रपंच है। ये बात आप याद रख लीजिए। बाकी इसके आगे आप पत्थर देखो, पहाड़ देखो, जो मर्जी देखते जाओ, वो उसका कंपोजिशन, मानी मिट्टी का कण ज्यादा इकट्ठे खड़े हुए हैं, धूप लग गई, पानी लग गया, कुछ लग गया तो पहाड़ बन गए। ये सब आगे की आगे परिवर्तनशील है। क्या है? व्यभिचारी है वो, तो बदलता रहेगा, सब कुछ बदलता रहेगा। पेड़ अपने आप गिर जाते हैं, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, व्यभिचारिया है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब वो कहते हैं जो सूक्ष्म प्रपंच है वो कैसा है, जो नहीं दिखाई देता, उसके बारे में कुछ बताइए। तो इसी चक्कर में महाराज ने दो सूत्र यहां पर विचार का 57-58 है। विश्व रूप विश्वाख्य प्रपंची भूते तन मात्र, विश्व नाम की जो देवता है, आख्या यानी नाम है, विश्व आख्या यानी विश्व जिसका नाम है, वहां पर प्रपंच जो है भूतों की तन मात्रा है, यानी सबसे प्योरेस्ट मात्रा है। विश्व आख्या यानी विश्व आख्या यानी नाम, नाम जिसका है, जिस मूर्ति का नाम विश्व है, उस वहां पर जो सूक्ष्म प्रपंच है वो कैसा है, वहां पर पांच भूत जो है वो बहुत तन मात्रा, तत्व मात्रा यानी प्योरेस्ट फॉर्म है। वहां पर 24 कैरेट का सोना, बड़ा सोना बढ़िया लग रहा है, कुछ भी नहीं है उसके सामने। 24 कैरेट का सोना आप जो कहते हो, कुछ भी नहीं है उसके सामने, हजार करोड़वा अंश भी नहीं है, प्योर गोल्ड। इतना, इतनी सूक्ष्म, इतनी 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 ब्रीक मात्रा के अंदर वो पांच भूत है वहां पे, इससे ज्यादा प्योर नहीं है और हम उसको कभी देख नहीं सकते हैं। इतना इतना है कि इम्पॉसिबल है, इतना प्योर है। अब 24 करोड़ कहने के, 24 कैरेट प्योर गोल्ड के कभी गहने भी नहीं बनते है, है ही नहीं है। 22 बनते हैं, 22 का ज्यादा हॉलमार्क वालों ने कह दिया 22 के ऊपर बन नहीं सकते, मुड़ जाते हैं ना 24 साल में। 22 ही है जी, अभी हॉल मार्किंग में मैंने पढ़ा, अभी वो आया था कि 22 से ऊपर नहीं होंगे गहने ज्वेलरी जो है, तो वो कहाँ दूसरे बनते हैं, 18-14 के भी आजकल तो सब बनने लगते हैं। बनाओ जो मर्जी बनाई जाओ, तो कोई चक्कर नहीं है, परपंच है सारा। अब देखो आपके 24 कैरेट, 18 कैरेट, 22 कैरेट सोना, इतने कितनी वैरायटी आ गई, 14, 16, 18, 22, 24 उतने कितने, 8 वैरायटी हैं। तो ये कितनी वैरायटियां होंगी जो जो मिट्टी के कण से लेकर वहां तक है, प्योरिटी, वैरायटी मतलब प्योरिटी आप सोच भी नहीं सकते।
ठीक है जी। वो कहते इसमें होता क्या है, कहते जो पांच भूत हैं इनकी बहुत तत्व मात्रा यानी इतनी प्योरेस्ट फॉर्म है। वो कहते वो क्या है, तन मात्रा की डेफिनेशन आगे बताएंगे। वो धातु भूते तत्वे, इनकी तत्व तन मात्रा जो है उसे सूक्ष्म प्रपंच कहते हैं। जो सूक्ष्म प्रपंच है उसकी डेफिनेशन बता रहे हैं। धातु भूते और तत्वे, इनकी तन मात्रा उसे सूक्ष्म प्रपंच कहते हैं। ये क्या है, इसकी बॉडी की डेफिनेशन है। इसकी बॉडी में धातु भी हैं, भूत भी हैं और तत्व भी हैं। इनकी जो तन मात्रा है उसको सूक्ष्म प्रपंच कहते हैं, यानी विश्व विश्वाख्या प्रपंची सूक्ष्म प्रपंच। तन मात्रा की बता रहे हैं। ये तन मात्रा में क्या क्या चीजें हैं, वो कहते हैं तीन चीजें आएंगी। धातु, सप्त धातु जो हमारे अंदर बॉडी के होते हैं, पता है नहीं पता, सात धातुएं होती हैं हमारे शरीर के अंदर जिससे हमारा शरीर बनता है। जब मनुष्य शरीर की डेफिनेशन आएगी तो बताऊंगा मैं आपको। मेद, मांस, रुधिर, हड्डी, ये सब जो चीजें हैं ये सात सब धातु होते हैं, ठीक है जी। फिर है भूते यानी पृथ्वी जल, तत्व यानी कुछ तत्व होते हैं यानी कुछ चीजों का रस होता है। जीव के माध्यम कितने, 1,00,000 छिद्र है, उसमें से रस निकलता है, आपको पता है। नमक रखो तो वो रस अलग निकलता है, मीठा रखो तो रस अलग निकलता है, खट्टा रखो तो रस अलग निकलता है। तत्व इसको मैं अर्क बोल रहा था, तत्व। नींबू का सत्व आता है ना आपका, वो क्या आता है, नींबू का सत्व बोलते हो आप। वो चीनी क्या है, ये सत्ती तो है गन्ने का रस का, नींबू सत्व बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं आप, यूज करते हो कि नहीं। वो ढोकले में डालते हैं पर उसका टेस्ट आता है, सिरका नहीं होता, एक वाइट वाइट आता है, आपने कभी देखा ही नहीं है। मैंने यूज किया हुआ आज से 10-15 साल पहले। नींबू का सत्व आता है, वाइट कलर का होता है, जैसे चीनी होती है ना। मैं आपको लेडीज होकर पता ही नहीं, नहीं 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 दाने की तरह होता है, चीनी की तरह। बुरा चीनी देखी आपने, वैसे ही होता है लेकिन बहुत तेज होता है वो, बहुत तेज। एक दाने, एक दाने में इतना नींबू का रस होता है कहने की बात नहीं। ये ढोकला बनाते हैं ना जो, वो उसके और ढोकले का टेस्ट आता है उसमें डालते हैं। मैंने सालबड़ी में था पाला में, तो वो राजस्थानी से पूछा था, दोस्त बन गया, मैं बनाता कैसे हो तुम लोग। उसने बताया मुझे, मैं रेसिपी बताई, कहता बाबा जी आपको बताता हूँ ढोकला बनाते कैसे हैं। उसने मुझे बताया था कि सब कुछ करने के बाद हम नींबू का सत्व जो होता है वो पानी में डाल के उसके ऊपर, ये पानी पानी क्यों रखते हो, कहता ये नींबू का सत्व है इसलिए खटास आती है तो टेस्ट आता है आपको। कहता ढोकले का टेस्ट थोड़ी, बेसन का टेस्ट थोड़ी है, उस दिन क्या हुआ, मैंने उसको गया वहां पे तो मैं वो लेके आया, टाटा की 1 रुपए की पाउच थी नींबू सत्व की। मैंने कहा देखूं तो सही होता है क्या, बहुत तेज होता है वो, बहुत स्ट्रांग होता है। नींबू का रस उबाल कर उसका क्रिस्टलाइज किया गया है, आपको इंग्लिश में बताता हूँ, नींबू के रस को क्रिस्टलाइज किया गया, जैसे गन्ने के रस को क्रिस्टल करके चीनी बनती है ना, क्रिस्टल फॉर्मेट है, वैसे नींबू के रस को क्रिस्टल करके नींबू सत्व बनता है, ठीक है जी। अब ये तत्व बोल सकते हैं हम उसको। कहने का मतलब ये है कि ये जो सूक्ष्म प्रपंच है, विश्व रूप की बॉडी जो बनी हुई है उसके अंदर जो कुछ भी है वो एकदम प्योरेस्ट फॉर्म से बनी हुई है। किसकी जी बनी हुई है, उसके अंदर सात धातुएं जो हैं, ये बाकी जो मोटा मोटा दिखाई देता है देव विश्व की मूर्ति की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है जो हमें कभी दिखाई नहीं दी अभी तक, उस विश्व देवता जिसके अंदर पेट के अंदर सारा ब्रह्मांड है, एक वो गोल्डन है। सिर्फ बातें कर सकते हम है, हमारे पास शब्दों में वर्णन आया, हम देख नहीं सकते उसको आंखों से। हाँ, अप्रोच ज्ञान की शक्ति जब मिलेगी तब हम देख सकेंगे। अप्रोच ज्ञानिया से प्रपंच मिथ्या, अप्रोच ज्ञान के लिए प्रपंच सब झूठ का विस्तार है। आगे चलते हैं, यहां पे सूक्ष्म प्रपंच। अब आगे चलते हैं इसके बाद, यद नंतरम यद दृश्यते ततस्य कारणम, कहते हैं कार्य कारण कैसा है, जिसके बाद जो दिखाई देता है। यद नंतरम यद दृश्यते, यद नंतर जिसके बाद, यद दृश्यते जो दिखाई देता है वो उसका कारण होता है।
पहले वाली चीज कारण होता है, बाद वाली चीज कार्य होती है। तो प्रपंच में भी ऐसा ही है, दूध है कारण, दही है, दही है कारण, मक्खन है कार्य, मक्खन है कारण, घी है कार्य। अब रुई है तो कारण, मिट्टी है कारण, रुई है कार्य, रुई है कारण, धागा है कार्य, धागा है कार्य, कपड़ा है कारण कार्य, कपड़ा है कारण, और ड्रेस जो है वो कार्य। अगले स्टेप में जो चीज बनी वो कार्य, हाँ, पहला जो जिससे जिससे जो बना वो पहला कारण, अगला कार्य, ये कह रहे हैं प्रपंच के बारे में। प्रपंच में कारण होगा तो कार्य होगा, और कारण जलते जाओ चलते जाओ, ढूंढते जाओ ढूंढते जाओ ढूंढते जाओ ढूंढते जाओ, कहां मिलेगा जाके, अष्ट व्यर्मों के पास। मिट्टी कितों आई, लबक के ले आओ पहला। वो साइंटिस्ट यही कर रहे हैं, ये मिट्टी कहां से आई, पानी कहां से आया, समझ नहीं आ रही उनको, आएगी कभी नहीं क्योंकि वो दिखाई नहीं दे सकता उन्हें, उनको कोई समझ नहीं आ रहा। वो लगे हुए हैं, कभी मार्स पे जाते हैं, कभी वहां जाते हैं, कभी वहां जाते हैं ढूंढने के लिए, वादा नहीं अभी लगे टाइम पास करें। हमारे पास अब हम आपको एक घंटे में बता देंगे, दो घंटे के अंदर पागल है गए बेचारे, करना क्या हमें, तो सब हमें सारी डिटेल्स पता है, वो इस चीजों को खोजने में लगे हुए हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं ढूंढने के लिए, पर उन्हें मालूम ही नहीं है। हमारे को मालूम है, हमारे किसी काम के नहीं है, क्योंकि हमें पता चल गया परपंच मिथ्या है, अनित्य है, फॉर एवर रहने वाला नहीं, फॉर एवर रहने वाली तीन चीजें हैं, जीव देवता और परमेश्वर। दंडवत श्री चक्रधर स्वामी की जय। परपंच का तीसरा वीडियो यहाँ संपूर्ण होता है।